सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। शरद पवार ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा परियोजना एक बच्चे को समझाने की कोशिश करने के समान है। शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी। आपकी मान्यता रद्द करने की मांग, 56 सेनावृत्त नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। पूर्व सीएम येदुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर के आदेश, ठेके के बदले रिश्वत का मामला। सुप्रीम कोर्ट की राय, 10 वर्ष के बावजूद अपीलें लंबित होंगे तो दोषियों को देनी चाहिए जमानत। ईडी ने तलब किया तो भड़के डीके शिवकुमार, बोले समन मेरे राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है। शिवसेना पर तंज, सीएम कुर्सी के बदले वेदांता फॉक्सॉन डील गुजरात को दी, कल मुंबई भेज देंगे। सरकारी रिकॉर्ड में अनाथ शब्द बदलने की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, का अनाथ कलंक नहीं, उपाय सोचे। गोवा के पूर्व सीएम की सफाई, दिगंबर बोले भाजपा में शामिल होने के लिए भगवान ने दी थी परमिशन। सेना प्रमुख बोले आउटसोर्स नहीं की जा सकती, देश की सुरक्षा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की जरूरत। प्रमोद सावंत बोले गोवा में शुरू हुई कांग्रेस छोड़ो यात्रा, कांग्रेस का पलटवार, 40-50 करोड़ में खरीदा एक विधायक। बेगूसराय गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, रांची भागने की फिराक में था केशव, 3 साथी भी पकड़े गए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस में कल्याणमय गांगुली गिरफ्तार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हिजाब बैन पर प्रशांत भूषण की दलील, बोले स्कूलों में पगड़ी क्रॉस पर बैन क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें रिस्ट लागू करने का अधिकार। सीजीआई के लिस्टिंग सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऐतराज, कहा दोपहर के सेशन में केसों की भरमार हो जाती है, फैसले के लिए समय नहीं। केशव से मिलने पहुंचे दिव्यांग को पुलिस ने घसीटा, सुल्तानपुर पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव। वाराणसी में 5-6 नवंबर को नमो घाट पर होगा गंगा महोत्सव, कमिश्नर बोले बगैर लाइफ जैकेट की नहीं चलेगी एक भी नाव। कानपुर कमिश्नरेट और आउट पर खाकी पर दाग, वसूली और चोरी जैसे गंभीर आरोप। आगरा सादी वर्दी में दबिश देने गई पुलिस पर हमला, बीच सड़क जमकर हुआ हंगामा, होटल संचालक समेत 2 हिरासत में।
हरदोई में तालाब में डूबने से मासूम की मौत। आटा चक्की के पास खेल रहा था, अचानक पैर फिसलने से तालाब में गिर गया। मुरादाबाद में पुलिस वालों की पिटाई, वर्दी फाड़ी सिपाही बोला, हमलावरों ने जान से मारने के लिए मेरा गला दबाया। आगरा के स्कूल में धरना दे रहा शिक्षिका, बच्चों को रात में उठाया दिव्यांग शिक्षिका, बोली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की। नोएडा में शराबी युवक ने मॉम को दी लूट की झूठी सूचना, मामा ने थाने में दर्ज कराया केस, मामला निकला फर्जी। चित्रकूट में संयुक्त जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर, 17 को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस अवसर पर रक्तदान कर मनाया जाएगा। लोनी विधायक ने अधिकारियों पर लगाए आरोप, बोले डकैत बनकर प्रदेश को लूट रहे हैं, सरकार का कोई भी राज इन्हीं का रहता है। पीलीभीत में नशे में धुत सिपाही सड़क पर गिरा, खाकी हुई शर्मसार, राहगीरों ने अस्पताल में कराए भर्ती। लापरवाही को लेकर हटाए गए पीओ डूडा, बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से की थी शिकायत। फरुखाबाद में बारिश से तालाब बनी, शहर की सड़कें जलभराव से, शहर के प्रमुख मार्ग पर लगा जाम। सुल्तानपुर में साइबर सेल को मिली कामयाबी, 3 लोगों के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड, अकाउंट में लौटाए गए 3 लाख रुपए। कानपुर में जलभराव में डूबने से 2 की मौत, जूही खलवा पुल के नीचे डूबने से युवक की मौत। रायबरेली से लापता छात्राएं मुरादाबाद में मिली, पद्मावत एक्सप्रेस से दोस्त के साथ दिल्ली जा रही थी दोनों छात्राएं। उन्नाव में कच्चा मकान गिरने से 3 बच्चों की मौत, 2 भाई और 1 बहन सो रहे थे साथ में, मां की आंखों के सामने गिरी दीवार। रायबरेली में तेज बारिश में गिरा घर मलबे में दबकर 3 गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत। बहराइच में बोरिंग टेक्नीशियन ने ली 3000 रुपए की घूस, बोला पैसा दो या खुद काम करो, अफसरों ने किया निलंबित। हाईटेंशन लाइन के टावर पर चोरी करने चढ़ा चोर, खुद पुलिस को फोन करके दी जानकारी, बोला फंस गया हूं बचा लो। नोएडा में 12 साल की बच्ची ने किया सुसाइड, यूट्यूब पर अपनी बीमारी का देखा था वीडियो, लाइलाज समझ लगा ली फांसी। हाथरस में बच्चे ने रची थी अपहरण की साजिश, बोला मेला देखने गया था, घर पर डांट पड़ती इसलिए बताई झूठी कहानी। बरेली हाईवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, बदायूं के रहने वाले युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। देवरिया में गौरी बाजार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की 12 बाइक समेत 1 गिरफ्तार भेजा गया जेल। बारिश में मकान गिरने से बेटे की मौत, माता पिता घायल, झांसी में 1.5 घंटे तक मलबे में दबे रहे पिता और पुत्र।
लखनऊ में बारिश से दीवार गिरी, 9 की मौत, दीवार के सहारे झोपड़ी बनाकर रह रहे थे मजदूर, सोते वक्त हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने 2 दिन में खंगाले 19 मदरसे, 11 बिंदुओं पर ली जानकारी, नाम से लेकर फंडिंग तक की पड़ताल। बीमारी से परेशान युवक ट्रेन से कटकर मौत, रायबरेली में मृतक का पिता बोला सुबह से घर से लापता था। सीतापुर में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विरोधियों पर साधा निशाना, बोले उल्लू को सिर्फ अंधेरा ही पसंद। गाजियाबाद में पत्रकार को सरतन से जूझा की धमकी, विदेशी नंबर से आई कॉल मैसेज, लिखा स्टॉप प्रोपेगेंडा एजेंडा अगेंस्ट इस्लाम। पुष्कर सिंह धामी के मौके पर टपकेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर मांगा आशीर्वाद, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद ही अंदर छोड़ दिया पैड, दर्द हुआ तो 8 माह बाद सामने आया सच। उत्तराखंड में हृदयघात से गंगोत्री में गुजरात के यात्री की मौत, कुल मृत तीर्थ यात्रियों की संख्या 241 पहुंची। उत्तराखंड में षड्यंत्र के तहत खत्म कराया जा रहा आंदोलन, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग पर उकरान ने लगाया आरोप। भ्रष्टाचार में संलिप्त मंत्रियों को किया जाए बर्खास्त, रायवाला में कांग्रेस व उकरान ने फूंका सरकार का पुतला। उत्तराखंड में रेड अलर्ट के बीच रात से बारिश जारी, 8 जिलों में स्कूल बंद, 4 धाम यात्रा प्रभावित। यमुना नदी के टापू में फंसी 2 महिलाएं, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, पशु लेने गई थी नदी पार, अचानक बढ़ गया जलस्तर। उत्तराखंड में बड़ा डेंगू का प्रकोप, 46 और लोगों में हुई पुष्टि, देहरादून में 39 लोग पाए गए पीड़ित। उत्तराखंड में कोरोना के 33 नए मामले, 18 स्वस्थ, दून में सबसे अधिक 77 मामले सक्रिय। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड 2 लाख इनामी मूसा गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इनामी को दबोचा। रुड़की के सिविल लाइंस में स्पेस सेंटर पर पुलिस का छापा, 6 युवतियों सहित 11 पकड़े, निजी बैंक का प्रबंधक भी शामिल। उत्तराखंड के जंगलों में बने सभी धार्मिक स्थलों की होगी जांच, अवैध पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही। उत्तराखंड में दहेज को लेकर हल्द्वानी में महिला की हत्या, पति समेत 4 ससुरालियों पर मुकदमा। चंपावत स्कूल में हादसा, पिता नहीं कर सके चंदन का अंतिम दर्शन, मां की आंखें, लाडले को रही तलाश। सीबीआई ने कैंट बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक घूस लेते हुए गिरफ्तार, जमीन का म्यूटेशन करने की मांगे थे 50,000 रुपए। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने किया मोदी का स्वागत, पुतिन जिनपिंग और मौजूदगी में सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एससीओ में समिट में करा बैठे फजीहत, पुतिन के सामने मदद मांगने लगे शहबाज शरीफ। साइबर सुरक्षा को लेकर यू हुआ सख्त, इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के लाएगा नया नियम और कानून। क्वीन के ताबूत के पास खड़ा बुजुर्ग रॉयल गार्ड गिरा, वेस्टमिंस्टर हॉल की घटना, हर 20 मिनट में चेंज हो रही गार्ड्स की ड्यूटी। इटली फिर जबरदस्त तूफान से तबाही, विनाशकारी तूफान से 7 की मौत, पिछले माह भी हुई थी तबाही। इमरान खान बोले पाकिस्तान में आटा 100 रुपए लीटर, ट्रोलर्स ने पूछा बोतल में आटा खरीदते हो क्या। एससीओ शिखर सम्मेलन में जिनपिंग से मिले पुतिन, यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया पर भड़के। यूक्रेनी बांध पर रूस की सेना का मिसाइल हमला, सामूहिक कब्र से मिली 400 से ज्यादा लाशें। स्वीडन के प्रधानमंत्री एंडरसन के ने प्रसिद्धिया इस्तीफा, नई सरकार बनने तक कार्यवाहक पीएम बनी रहेगी। पाकिस्तान के खस्ता हालात पर झलका पीएम शहबाज का दर्द, बोले मित्र देश को भी हमको भिखारी समझने लगे। पतंजलि की 5 और कंपनियों के आईपीओ का हो सकता है ऐलान, अभी सिर्फ पतंजलि फूड्स मार्केट में लिस्टेड। वीओवी 25 के 2 वेरिएंट लॉन्च, 5G स्मार्टफोन की कीमत 27,999 से शुरू, 64 MP नाइट विजन ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। फिच ने घटाया ग्रोथ अनुमान, 2022-2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7% किया। दुनिया से दूसरे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, अब सिर्फ एलन मस्क है आगे। बायजू को तगड़ा झटका, कंपनी का घाटा 13 गुना बढ़ाकर 4,588 करोड़ रुपए पहुंचा। एयर इंडिया ने अगले 5 साल की योजना की तैयार, घरेलू बाजार में 30% हिस्सेदारी का लक्ष्य। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटाने को जाएंगे पूंजी बाजार। लिमिटेड ऑडिशन ऑडी Q7 भारत में लॉन्च, एसयूवी कीमत 88.08 लाख रुपए, एसक्यूवी बैरिक ब्राउन कलर में अवेलेबल। केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्यवाही, पीएसएल ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज। गुजरात में सेमीकंडक्टर परियोजना शुरू करेगी अनिल अग्रवाल की वेदांता, फॉक्सकॉन के साथ किया समझौता। पाक के पास इलाज के लिए नहीं है पैसे, शाहिद अफरीदी बोले चोटिल शाहीन खुद अपने पैसे से इंग्लैंड जाकर करा रहे हैं इलाज। मुरलीधरन ने टीमों को दी चेतावनी, लीजेंड ने कहा हर रंगा के खिलाफ रहना होगा सावधान।
पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बड़ा बयान, कहा हमने बिलियन डॉलर टीम इंडिया को हराया है। अफगानिस्तान ने किया T20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान, एशिया कप में खेलने वाले 5 खिलाड़ी बाहर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले जसप्रीत बुमराह ने जमकर बहाया पसीना, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। रोजर फेडर ने टेनिस से लिया संन्यास, लेवर कप में आखिरी बार खेलेंगे, सबसे अधिक विंबलडन खिताब जीतने का रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं कोहली, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की भविष्यवाणी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी, फखर जमान 15 सदस्यीय टीम से बाहर। छह वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई उप कप्तान हेन्स का संन्यास, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट टीम का हिस्सा थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2-1 से गवाई सीरीज, तीसरे T20 वर्ल्ड में 7 विकेट से हराए, 27 रन पर सिमटे 6 भारतीय स्टार। नागार्जुना ने नागा चैतन्य सामंथा के तलाक पर तोड़ी चुप्पी, बोले ये किस्सा हमारी लाइफ से बाहर हो चुका है। सुनील ग्रोवर ने शेयर किया मजेदार वीडियो, फुटपाथ पर लगाई ज्वेलरी की दुकान, हंसते हंसते लोटपोट हुए फैंस। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आर्यन खान, हाथ में दिखा गुलाब का फूल, फैंस बोले पापा की कार्बन कॉपी। युजवेंद्र चहल ने शेयर किया वीडियो, धनिश्री के साथ एंजॉय करते दिखे चहल, कहा मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन मेरी ताकत है। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे कमाल राशिद खान, बोले देश में सुरक्षित रहने के लिए नेता होना नहीं जरूरी है, अभिनेता नहीं। जेनेलिया रिश्ते का फनी वीडियो वायरल, एक्ट्रेस ने पूछा पेरिस अमेरिका लंदन आप मुझे कहां लेकर जाओगे। पंकज त्रिपाठी ने की हिंदी में बात करने की अपील, बोले सक्सेस के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं। मुनव्वर फारूकी का गर्लफ्रेंड मनाजिला से हुआ ब्रेकअप, कपल ने सोशल मीडिया से एक दूसरे को किया अनफॉलो। शैलेश लोढ़ा ने शेयर किए बैंक गिरफ्तार, फैंस बोले आपने बिना इजाजत असित मोदी पर कसा है तंज। बूम पड़ी गाने पर थिरकी माधुरी दीक्षित, मजामा फिल्म के गाने को देख फैंस को एक बार फिर याद आई आजा नचले की। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस